जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फुल पर। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जी हां दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे UPSC के IAS और ISS वैकेंसी के बारे में। जी हां दोस्तों, UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने IAS यानी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और ISS यानी कि इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस की जो है वैकेंसी निकाली है। आज का हमारा वीडियो इसी वैकेंसी के बारे में, तो इस वीडियो में इस वैकेंसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसमें पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर आपके दो पोस्ट हैं, आपकी पहली पोस्ट है IES यानी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और आपकी दूसरी पोस्ट है ISS यानी कि इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस की। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपकी टोटल पोस्ट है 53 यानी कि 53 पोस्ट है। अब हम बात करेंगे पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर IES यानी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के अंदर कुल 24 पोस्ट है और ISS यानी कि इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस में आपके 29 पोस्ट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अप्रैल 2022 से शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 26 अप्रैल 2022। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि जनरल या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर आपको 200 रुपये फीस के देने होंगे। इसके अलावा यहाँ पर वो कैंडिडेट जो कि SC, ST, फिजिकल हैंडीकैप या जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर आपको कोई फी नहीं देनी है। तो यहाँ पर जनरल और OBC वाले जो कैंडिडेट्स हैं, आप अपनी फी का पेमेंट अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर ई चालान के थ्रू कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी उम्र है वो 1 अगस्त 2022 के हिसाब से काउंट होगी। इस डेट के हिसाब से कम उम्र 21 साल तक होनी चाहिए और आपकी अधिकतम उम्र 30 साल तक होनी ज़रूरी है। तो ये हुई आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे IES यानी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, ये आपने जो है इकोनॉमिक्स या फिर अप्लाइड इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स के अंदर करी हो। अब हम बात करेंगे ISS यानी कि इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और ये जो आपने बैचलर डिग्री करी है, ये आपकी या तो स्टेटिस्टिक्स में या फिर मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स में या फिर अप्लाइड स्टेटिस्टिक्स में होनी जरूरी है। तो ये हो गया आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो इसके मोड ऑफ सिलेक्शन में एक तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, इसके अलावा आपका वाइवा होगा। पहले हम बात करेंगे इसके रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे IES यानी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस पोस्ट के लिए आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपके कुल 6 पेपर होंगे, जिसमें आपका पहला पेपर है जनरल इंग्लिश का, ये कुल 100 नंबर का होगा। इसको करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर आपका दूसरा पेपर है जनरल स्टडीज़ का, ये भी कुल 100 नंबर का होगा। इसको करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर आपका तीसरा पेपर है जनरल इकोनॉमिक्स फर्स्ट का, ये कुल 200 नंबर का होगा। इसको करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर आपका चौथा पेपर है जनरल इकोनॉमिक्स सेकंड का, ये भी कुल 200 नंबर का होगा और इसको करने के लिए भी आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर आपका अगला जो पांचवा पेपर है वो है जनरल इकोनॉमिक्स थर्ड और ये आपका कुल 200 नंबर का होगा और इसको करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा आपका जो छठा पेपर है वो है इंडियन इकोनॉमिक्स का और ये आपका कुल 200 नंबर का होगा और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो ये हो गया IES पोस्ट के लिए आपका रिटर्न एग्जामिनेशन। अब हम बात करेंगे ISS यानी कि इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस पोस्ट के लिए आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के बारे में। तो इसमें भी आपके कुल 6 पेपर होंगे। यहाँ पर आपका पहला पेपर होगा जनरल इंग्लिश का, जो कि कुल 100 नंबर का होगा और इसको करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर आपका दूसरा पेपर है जनरल स्टडीज़ का, ये 100 नंबर का होगा और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपका तीसरा पेपर होगा स्टेटिस्टिक्स फर्स्ट का, जिसमें इसके सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और ये आपका कुल 200 नंबर का होगा। इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके बाद आपका चौथा पेपर होगा स्टेटिस्टिक्स सेकंड का, इसमें भी आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ये कुल 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का टाइम इसमें आपको दिया जाएगा। यहाँ पर आपका पांचवा पेपर होगा स्टेटिस्टिक्स थर्ड का, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा, जो कि कुल 200 नंबर का होगा। इसको करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और यहाँ पर आपका छठा पेपर होगा स्टेटिस्टिक्स फोर्थ का, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, कुल 200 नंबर का और 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद आपका वाइवा होगा, जो कि कुल 200 नंबर का होगा। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट www.upsconline.nic.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 26 अप्रैल 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था UPSC की IES यानी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और ISS यानी कि इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस पोस्ट के लिए आपके रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।